Bhaiya, in one of your YouTube videos, you have shared the meaning of Shraddh. How does the act of feeding crows help us reach out to our ancestors? Why only crow? If you feed anybody, you can reach out to your ancestors, because that is the value we have got from them. Yeah. Now, see this. This is what? Which paksha we say? Pitru paksha. No? Pitru, ye dedicated kya hai? Pitruon ke liye, hamare ancestors. आज हम जो भी है हमारे ऊपर उनके संस्कार है, तो वो जैसे फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे या ब्रदर डे, इंजीनियर डॉक्टर डे मनाते हैं, वैसे क्या पितृपक्ष 15 दिन ज़्यादा दे दिया उनको थोड़ा, क्योंकि वही हमारा मूल है, उनके वजह से आज हम ऐसे हैं। और कौवे को क्यों खिलाते हैं खाना? कई लोग ये समझते हैं कौवा वर्जित है। हमारे पूर्वज थोड़ी मूर्ख है जो ये सब करेंगे। ये जो भाद्रपद महीना है ना अभी, उसमें वो क्रोज एग्स ले करते हैं, ओके? और बोलते हैं, आपने ये दो पेड़ों का नाम सुना है, पीपल और बरगद, हाँ, पीपल ट्री एंड बैनियन ट्री। बोलते हैं ये दो वृक्ष है वो मैक्सिमम गुणकारी है मनुष्य के लिए। पीपल ये ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, और बरगद का पेड़ कई सारे रोगों पर इलाज लाता है, गुणकारी है वो। पर आप ये ट्री प्लांटेशन वगैरह करते हो, आपने कभी सुना है लोग जाके बोलते पीपल का पेड़ लगाओ या बरगद का पेड़ लगाओ? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक मस्त साइंस है। क्रो जो है वो पीपल के पेड़ पे बैठता है, उधर के टहलिया खाता है, वो छोटे जो फ्रूट्स आते हैं वो खाता है बरगद के पेड़ पे बैठ के, और वो खाने के बाद उसके पेट में ही वो सीड का प्रोसेस होता है, सबीज होता है वो। और वो जब क्रो अपना स्टूल पास करता है, अपनी विष्ठा छोड़ता है जहाँ, वहीं से वो पीपल और बनियन ट्री ऊपर आता है। और ये हमारे पूर्वज जानते थे पहले। तो ये पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ बनाए रखने के लिए किस प्राणी का होना ज़रूरी है? तो उसका पोषण होना ज़रूरी है, तो उसको खिलाते हैं इसी कि भाई अभी उसको अच्छा खाना मिले, पोषण मिले, और उसका जो अगला जनरेशन है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि यही महीने में वो बच्चे अंडे डालते हैं। वो मूर्ख नहीं है ऐसे कुछ भी, हाँ कुछ नहीं चलो कौवे को खिलाओ, ऐसे नहीं है। इसके पीछे वो ये इतना बड़ा रीज़न है। कोई भी भारत का गाँव देखो, एक भी गाँव आपको ये दो पेड़ के बगैर मिलेगा नहीं। या अश्वत्थ और बनियान ट्री, वर्ड जिसको बोलते हैं, सॉइल की भी जरूरत नहीं, वो प्रोसेस ही बनता है कौवे के पेट में, और जो उसकी विष्ठा निकलती है, जो वेस्ट निकलता है, उसमें ही वो निकल आता है पेट। सो साइंटिफिक नो? पर हमको क्या लगता है ये सुपरस्टिशन है, ये कौवे को खाना खिलाए, क्या कैसा लोगों का देश है ये, कौवे को खाना खिलाते और भूखे को नहीं खिलाते। भूखे को भी खिलाते हैं हम, कौवे को भी खिलाते हैं, पर उसके पीछे इतना बड़ा साइंस है। बताओ, now you got it why we do this? Yes. Why we feed crow? Yes. Huh? So it's not superstitious, it's actually very very scientific process, okay?